मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। मैं मौजूद है मुगला के शंकर मंदिर पर और आपको बता दें कि आज महाशिवरात्रि के मौके पर जो है बजरंग दल के मुमरा के जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो सभी लोग यहाँ पर जो है शरबत पिला रहे थे और खास तौर पर जिस तरह से मुमरा रेलवे स्टेशन का नाम बदली करके मुमरा देवी रेलवे स्टेशन करने की मांग उठी थी और उसी के संदर्भ में यहाँ पर जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता जो तमाम है वो हस्ताक्षर अभियान यहाँ पर चला रहे थे। लेकिन शाम होते होते यहाँ पर मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI और तमाम पुलिस के कर्मचारी यहां पर पहुंचे और जो बैनर यहां पर लगाया गया था उसे हटा दिया गया है। हालांकि पुलिस ने हटवा दिया बैनर को, कहा जा रहा है कि उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो नहीं लिखना चाहिए था। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है मुमरा के आशीष कन्नौजिया वो यहां पर मौजूद है। आप लोग आज महाशिवरात्रि के मौके पर जो है यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे, मुमरा देवी रेलवे स्टेशन की मांग जो है वो की नाम रखा जाए, तो क्या हुआ आखिर ऐसा कि पुलिस ने जो है बैनर हटवा दिया? देखो पहली बात तो मैं पुलिस को नहीं ब्लेम कर सकता कि पुलिस को कुछ अलग तरीके से इसको मॉडिफाई करके बताया गया। अभी इधर आके उन्होंने खुद देखा, ऐसा कुछ विषय लिखा नहीं था, लेकिन कुछ कारण के वजह से, कुछ बोलते ना राजनीति के वजह से, तो उनको भी जगह निकालना पड़ा। अभी नए सीनियर साहब हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा क्या लिखा हुआ था उस बैनर पे? आई माता मुमरा देवी के सम्मान में बजरंग दल मैदान में मुमरा नाम ये अब मुमरा देवी शहर से नाम जाना जाएगा, हस्ताक्षर अभियान। ऐसा बताया जा रहा है कि मुमरा देवी रेलवे स्टेशन का नाम जो है किया जाना था, लेकिन आप लोग अब पूरे मुमरा शहर का नाम जो है मुमरा देवी करने की मांग कर रहे हैं, ऐसा हुआ क्या? ऐसा आप लोगों ने मुमरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलेगा तो मुमरा देवी रेलवे स्टेशन ही होगा, तो इसमें अलग कुछ नहीं, तो मुमरा देवी शहर ही हो गया ना। तुम रेलवे पकड़ो या शहर पकड़ो, तकलीफ ऐसा है वो विषय वो नहीं है, शहर है कि क्या है, विषय वो है कि इसमें कौन पॉलिटिक्स पार्टी वाला अपना रोटी सेक रहा है। तो ये मैं आने वाले समय में ये बोल रहा हूँ तो सभी लोग, मैं तो ऐसा नहीं, आने वाले समय मुझे तो आप ऐसा लग रहा है कि जल्दी ये मुमरा देवी शहर हो जाएगा। एक बोलते हैं ना कुछ अच्छा काम होने के टाइम में कुछ लोग अड़ंगा डालते रहते हैं, ये करना चाहिए, ये सक्सेस नहीं होना चाहिए, मैं बोलता हूँ ये सक्सेस हो चुका। पुलिस का ऐसा कहना है कि आप लोग यहाँ पर पंडाल लगाए शरबत पिलाने के लिए, लेकिन उसमें हस्ताक्षर अभियान करने लगे और बैनर लगा दिए, आप लोगों ने परमिशन वगैरह नहीं लिए? सुबह 7 बजे 8 बजे मैंने महाराष्ट्र पुलिस, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैंने थाने पुलिस और मुमरा पुलिस चौकी, ये सभी को मैंने बाय पेपर वर्क करके मैंने दिया है मेल, और उन्होंने मैंने अपना खुद का एक मैंने लेटर हेड भी दिया है साथ में PDF फाइल और लेटर पूरा कायदे। अभी मैं इधर पूछने के बाद मालूम पड़ा कि वो बोलते हम मेल देखता कौन है, कुछ लोगों से मालूम पड़ा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो पहली बात तो मेल सबको मेल देखता कौन है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है आम आदमी पुलिस प्रशासन की तरफ, तो मेरा ऐसा बोलना है कि प्लीज पुलिस प्रशासन को बोलना चाहता हूँ, आप हर दिन सुबह दिन में 3 बार तो आप मेल देखिए, किसी का कुछ अर्जेंट काम आ गया, किसी का कुछ अर्जेंट हो गया वो आ नहीं पाया, तत्काल वो मेल किया तो कार्रवाई कैसे होगी? फिलहाल पुलिस ने क्या कहा, बैनर तो हटवा दिया, इसके अलावा और क्या? बाकी आप कितने लोगों ने सिग्नेचर किया है अब तक? 3,000 के ऊपर क्रॉस हुआ है। अपने कुछ बजरंग दल के वरिष्ठ लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी? वो ऊपर लेवल पे बात हो रही है और ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का ऊपर के लेवल पे काम नहीं चलता है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मनमानी कर रहा हूँ, और मैं मनमानी कर भी नहीं सकता हूँ, उनकी जो हिसाब से मेरे को बोला जाता है वही हिसाब से मैं करता हूँ। मुमरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुमरा रेलवे स्टेशन का नाम मुमरा देवी करने की मांग करते हुए यहाँ पर सिग्नेचर अभियान किया था, करीब 3,000 लोगों ने यहाँ पर सिग्नेचर भी किया है। लेकिन महाशिवरात्रि का दिन है आज और काफी भीड़ यहाँ मुमरा शंकर मंदिर पर है और जो आने जाने वाले लोग हैं वही यहाँ पर सिग्नेचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बैनर लगाया गया था, उस बैनर को लेकर जो है आपत्ति जताई गई, पुलिस यहाँ पर पहुंची और उसके बाद उस बैनर को हटा दिया गया। हालांकि बैनर हटा दिया गया है लेकिन ऐसा बताया जा रहा है जो सिग्नेचर अभियान है वो अभी भी जारी है।